बम्बियर की तरह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो, हम भी सब ठीक है। और बच्चों का मैंने टिफिन तैयार मतलब किया नहीं है, बना दी है रोटी और पैक करूंगी। आई मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाने के लिए चीला, क्योंकि आज मैं रोटी नहीं दे रही बच्चों को, चीला दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि दूध मेरा थोड़ा सा खराब हो गया था, तो इसलिए दूध मैंने जमा दिया है। तो इसलिए मम्मी अच्छी तरह बना रही हूँ चीला, आज मैं आज लगे ऐसे ऐसे करके बना रही थी। अच्छा बनता है, बन तो जाएंगे। जल्दी पलटी मारती हूँ और फिर जब तक मिट्टी पर पैक करती हूँ तो ये भी नहीं जब तक। मुझे सिर्फ स्मेल ऐसी आई जैसे दूर उठने की ऑफिस की, हाथ में चाय भी नहीं पड़ने की, दूर आ रहा था। पोछा सारा काम हो चुका था और मेरी फ्रेंड का फोन आ गए थे, हम चले गए थे धूप में बैठने के लिए छत पे, और अब मैं नीचे आई हूँ और हो रहा है बच्चों का टाइम। और सब्जी भी आ गई है मेरी, जैसे मैं नीचे आई वैसे ही फोन आ गया था और मैंने कट कर दिया। मैं सोची कि वैसे ही कॉल है, फिर ध्यान में आई यार सब्जी का भी हो सकता है। बालकनी से जाके तो सब्जी वाला खड़ा था, ये सब्जी मंगाई है। और हरी सब्जी तो बहुत ज़्यादा रखी है मेरे पास, आलू प्याज की बहुत कमी हो जाती है। मैं चलती हूँ बच्चों को लेने के लिए, टाइम हो रहा है बच्चों का, आके देखती हूँ नमकीन चावल बनाऊंगी, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और मैंने दही भी बहुत ज़्यादा जमा रखा है दही के साथ में, बना देते हैं। अब दही को बाहर निकाल दूँगी, ठंडा हो गया, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैंने खाने में बनाया नमकीन चावल और दही के साथ खा रहे हैं, और बिग बॉस देख रहे हैं। ऐसा दिन नहीं है जब हम बिग बॉस ना देखे, है ना। पता नहीं क्यों बहुत शुरुआत से चला ना, तब से इंटरेस्ट है बिग बॉस में शुरू से ही, पर तुम कुछ समझ में आए ना आए, पर इंटरेस्ट है सिर्फ मम्मी को, मुझे भी है, पापा को भी है, मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा मुझे है बिग बॉस का इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा है। शुरुआत में मैं देखती नहीं और लास्ट का मैं छोड़ती नहीं, ज्यादा भीड़ में तो ज्यादा लोग होते हैं, सब समझ में नहीं आता किसका नाम क्या है, तब मैं समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, और बाद में मैं अच्छे से देखती हूँ। लंच कर लो, लंच कर लिया है और मैं जा रही हूँ सेक्शन 14 में, ये दवाई ऑर्डर करके मंगाई थी और ये एक एक्स्ट्रा ये। देखते हैं वापस लेंगे तो वापस लेके आएंगे। एक चाबी दे स्कूटी की, पैदल कैसे जाऊंगी, चाबी दे। पता नहीं ये बिस्तर हम लिए, एटलीस्ट ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे। चलते हैं, मौसम फिलहाल आज तो साफ ही है, वैसे भी पता नहीं कंबल में घुस रही थी खाना खाने के बाद तो इसलिए ठंड लग रही है। गई थी दवाई चेंज करवाने के लिए, दवाई वापस करने के लिए, दवाई वापस करके आ गई हूँ। और आ गई क्या, एक घंटा वेट किया तेरी बुक के लिए, सभी दुकान बंद थी, सभी की सब पागल होगी, मैं बैठी बैठी वहां पे और क्या, 3 बजे पहुंच गई थी मैं मार्केट में, इधर ये वाली पास वाली मार्केट में, सदर में तो पता है ना एक घंटा से 1.5 घंटा लग जाता, सदर में इतनी आप पे भीड़ होती है। और
मैं घर पे आ गई और साथ जैसे घर पे पहुंची वैसे फ्रेंड ने आवाज दे दी थी आजा चाय बनाएंगे, और मैं चाय पीने चली गई थी। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए, अब मैं काट रही हूँ फ्रूट। अब फ्रूट खा के फिर बनाऊंगी शॉर्ट वीडियो। और अच्छी लग गया करे तो लाइक शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो जिसने ना कर रखा हो। तो ठीक साथ दो थोड़ा सा, 1 साल होने वाला है मेरा, थोड़ा साथ दोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी है, तो इसलिए बोल रही हूँ खूब खूब साथ दो भाई। मैं ये कर रही थी इसको तो इसमें डाल रही थी और ये डस्टबिन में डाल रही थी, टिप्पण तो डस्टबिन के अंदर और पन्नी सिंह के अंदर। बताओ कितना बड़ा काम करती हूँ मैं। और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, गोभी किसका टिफिन गया ये थी पर नहीं, ये वाला घी वाला जोत के लिए ना लेके तो बाकी बना लिया डस्टबिन में डाल दी थी मैं। अरे मन चक्कू रखा था दिख रहा है, हैं दिख रहा है क्या? इससे ना बहुत अच्छी सब्जी कटती है। मैं प्रसाद दे दिया हमने भी मंगल को प्रसाद खा लो बहुत टेस्टी है, रेड वाला प्रसाद मुझे बहुत पसंद है। आज हमने एक वीडियो देखी है जो ट्रेंड में बहुत चल रही है, जो आलू के छोटके से कुछ बनाना बना के खाना, मतलब बहुत टेस्टी लगती बताए। आलू के जब छोटके अच्छे बन सकते हैं तो खीरे के छोटके बनते होंगे, तो मैंने सैलेड काट रखी थी खीरा की और डस्टबिन में नहीं डाले थे, वो प्लेट में रखे थे, मैंने भी फटाफट वैसे धो धा के ना बना के खाए। ओ हो बहुत टेस्टी, आपको भी बनाना है ना तो देखो मेरी वीडियो, आप भी देखो। डिनर हमारा हो गया है और पूरा काम खत्म हो गया, रसोई की साफ सफाई भी हो गई है। अब कर रहे हैं सोने की तैयारी नहीं कर रहे, हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जो ट्रेंड में चल रही है, तो कोशिश करते हैं बच्चों के साथ में बनती है तो आपको दिखाएंगे जरूर। तो